देखो भाई दोस्तों, यह है मेरा एक चाइनीज ऑरेंज का पौधा जिसमें लगभग 100 से भी ज्यादा चाइनीज ऑरेंज लग रहे हैं। मैंने इसका पिछला वीडियो बनाया था कि इसको कैसे और क्यों लगाएं। आज हम इसमें से सारे संतरे तोड़कर अलग कर रहे हैं क्योंकि इसमें नेक्स्ट पैदावार के लिए फूल आने शुरू हो चुके हैं। तो जब हम इन संतरों को काटेंगे तभी अच्छी तरह से फूल आएंगे और उगेंगे। तो आज हम ये सारे के सारे संतरे तोड़ लेते हैं। इनका हम सलाद सिकंजी भी बना सकते हैं, लेकिन हम इनका अचार बनाएंगे। और ये इसमें मैंने गिने थे तो ये इसमें लगभग 95 संतरे थे। कुछ संतरे बंदर ने तोड़ दिए थे और कुछ झड़ भी गए थे, तो लगभग 100 से ज़्यादा संतरे इसमें उगे थे। तो आप देख सकते हो कि मैंने इस पौधे पर से सारे संतरे तोड़ लिए हैं और ये पूरा भगोना भर चुका है। वजन की बात करूँ तो लगभग 1.5 किलो के आसपास भर चुके हैं। दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। देखो डाया की बात करूँ तो 1 इंच का डाया होगा इनका। देखो कितना सुंदर लग रहे हैं। तो ये लगभग मैंने आपको बताया कि 95 संतरे हैं, जैसे कि देखने में नहीं लग रहे होंगे लेकिन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको अंदाज़ा लगा सकता हूँ। देखो इतनी सी जगह में अगर 5 संतरे आते हैं तो आप लगा सकते हो कि कम से कम 10 गुना से 20 गुना तो है ही, ठीक है, नीचे तक भरा पड़ा टोकरा। तो ये हो गए 100 संतरे। तो आप भी इस तरीके के पौधे को लगाएं और इन खट्टे संतरों का मज़ा लें। देखने में भी अच्छे लगते हैं, फूल खुशबू देते हैं और स्वादिष्ट भी हैं। खट्टे हैं फल नींबू की तरह, लेकिन आप इसकी सिकंजी बना सकते हैं और अचार भी बना सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।